हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टोपर्स फ्रेंड चैनल में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एनवीएस में जो न्यू वैकेंसी आई हैं उनके बारे में, किस पोस्ट के लिए जो है कितनी वैकेंसी हैं, ठीक है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम कब होगा या जो भी फॉर्म भरने की तारीख है, वो सब जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस की तरफ से जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। वेरियस पोस्ट है इसमें, आप देख सकते हैं। एनवीएस इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम सिटीजन फॉर रिक्रूटमेंट ऑन डायरेक्ट बेसिस टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल पीजीटी, जो टीचर्स होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स एंड मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स इन नवोदय विद्यालय समिति, यानी कि इसमें पीजीटी, टीजीटी, प्रिंसिपल और भी अदर कैटेगरीज में जो है वैकेंसी निकाली गई हैं। तो यहाँ पे सभी पोस्ट की डिटेल कैटेगरी वाइज जो है दी गई है कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी हैं और किस किस कैटेगरी में कितनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व्ड की 7 पोस्ट हैं, EWS की 1 पोस्ट है, OBC की 3 पोस्ट हैं, SC कैटेगरी की 1 पोस्ट है और ST की कोई भी नहीं है। तो टोटल जो है 12 पोस्ट जो है प्रिंसिपल की निकाली गई हैं, ठीक है। OH की भी आप देख सकते हैं 1 है, बाकी किसी और की नहीं है, ना VI की, ना HI की, ना अदर्स की, ठीक। आगे फिर PGT की आप देखेंगे, ग्रुप B की जो है वैकेंसी, इसमें देखिए अलग अलग सब्जेक्ट्स की निकाली गई है, जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस। टोटल 11 सब्जेक्ट्स की जो है वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। फिर इसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, ठीक है। टोटल में अगर आप देखेंगे तो बायोलॉजी की 42 पोस्ट है, फिर वो कैटेगरी वाइज उन्हें ब्रेक किया गया है, तो जो जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या जो जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है वो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि किसकी कितनी पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिस्ट्री की 55 है, कॉमर्स की 29 है, इको की 83 है, इंग्लिश की 37 पोस्ट है, ज्योग्राफी की 41 है, हिंदी की 20 है, हिस्ट्री की 23 है, मैथ्स की 26, फिजिक्स की 19 और कंप्यूटर साइंस की 22 पोस्ट है, ठीक है। उसमें से फिर अनरिजर्व्ड की देख सकते हैं आप, EWS की देख सकते हैं, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे आप देखेंगे तो OH और VH की भी जो है दी गई है इसमें। ओके, ये अलग है, ये नहीं है, ठीक है, OH VH इसी में मेंशन है। चलिए आगे TGT की दी गई है, TGT में पोस्ट निकली है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और SS की, सोशल स्टडीज़ की। फिर आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड में 61 हिंदी में है, 69 पोस्ट मैथ्स की हैं, साइंस की 42 हैं और सोशल स्टडीज़ की 52 पोस्ट है, ठीक। तो इस तरीके से टोटल भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओके ओके, देखिए ये TGT ग्रुप बी का था, यहाँ पर है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज ग्रुप बी की, ठीक है। मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए, जैसे असमी के लिए, बोडो के लिए, ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारी दी गई हैं, गारो की दी गई है, गुजराती की, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मराठी, मीजो, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तो ये लैंग्वेज वाइज जो हैं ये अलग से पोस्ट आप इसमें देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, मिसलेनियस कैटेगरीज ऑफ टीचर्स ग्रुप बी की ही हैं, जैसे म्यूजिक की निकली हैं 33 पोस्ट है, जिसमें 16 अनरिजर्व्ड के लिए है, EWS के लिए 3 पोस्ट हैं, OBC के लिए 8 है, SC के लिए 4 और ST के लिए 2 पोस्ट हैं। आर्ट में भी आई है, PET मेल में आई है, PET फीमेल में आई है। लाइब्रेरियन की भी 24 पोस्ट हैं और टोटल 83 पोस्ट अनरिजर्व्ड की जो है मिसलेनियस कैटेगरीज में है, ठीक है। तो जो जिससे उसमें फिल करना चाहे वो फॉर्म अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट जो हैं, ठीक। तो बस यहीं पे दिया गया है, फिर इनकी फुल फॉर्म यहाँ पे दी गई है, तो ये हमारा काम का नहीं है। देखिए यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट शुरू होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ओके। बीएड और इक्विवेलेंस टीचिंग डिग्री, बीएड हो या कोई भी इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री जो है होनी चाहिए। साथ में एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो बिल्कुल एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें। पर्सन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन लेवल 12 इन द पे मैट्रिक्स, या वाइस प्रिंसिपल हो, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हो किसी भी उसमें सेंट्रल में, स्टेट गवर्नमेंट में, वो जो है कर सकते हैं। 7 ईयर का जो है कंबाइंड सर्विस होनी चाहिए PGT वाइस प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। तो ये सारे एक्सपीरियंस में आपसे मांगी गई हैं। चलिए आगे इसमें आप देखेंगे,
और भी इसमें दिया गया है, पर्सन हैविंग 15 ईयर्स कंबाइंड रेगुलर सर्विस एज पीजीटी एंड टीजीटी पुट टुगेदर आउट ऑफ विच मिनिमम 3 ईयर्स एज पीजीटी। ओके, नेक्स्ट इसमें दिया गया है डिज़ायरेबल, मतलब डिज़ायरेबल मीन्स अगर है तो भी सही है, अगर नहीं है वो चीज़ तो भी आपको चल जाएगा। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, मतलब इसमें ये है अगर आपको नहीं भी है तो वो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर है तो अच्छी बात है। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग इन ए फुल्ली रेसिडेंशियल या CBSE एफिलिएटेड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल में, और एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस एज हाउस मास्टर ऑफ ए फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल। ओके, तो ये डिज़ायरेबल में है। आगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की आप देख सकते हैं, पोस्ट कोड यहाँ पे बताए गए हैं कि किस पोस्ट का पोस्ट कोड कौन सा है। पे स्केल यहाँ पे दिया गया है 47,600 से 151,000 तक का, ठीक है। इसमें आप देखेंगे हर एक पोस्ट के लिए है ये 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और एनी अदर NCTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट इन द कंसर्न सब्जेक्ट, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ओके, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो है 2 ईयर का जो है होना चाहिए। इसके अलावा BA डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE, और मास्टर डिग्री भी इसमें दिया गया है एटलीस्ट, मतलब 50% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए, BA डिग्री जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो देखिए PGT इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री किस में होनी चाहिए, किस किस सब्जेक्ट में हो दिया गया, इंग्लिश में होनी चाहिए, PGT हिंदी के लिए हिंदी में होनी चाहिए, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स हो सकती है, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में हो सकती है, PGT मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में हो सकती है, PGT इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए PGT, PGT हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में मास्टर डिग्री चाहिए, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी में चाहिए, ठीक है। तो बाकी जो इंग्लिश हिंदी ज्योग्राफी इनमें तो है ही, ये चल जाएगा। बाकी फिजिक्स वालों में अलग अलग कैटेगरीज जो है दी गई है तो वो आप देखिएगा, केमिस्ट्री में जैसे केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री दोनों हैं, कॉमर्स में आप देखिए कॉमर्स विद अकाउंटिंग हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी हो, होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ MCOM इन अप्लाइड हो, बिजनेस इकोनॉमिक हो, ओके नॉट बी एलिजिबल, ठीक। आगे देखिए बायोलॉजी का दिया गया है बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइड दैट एप्लीकेंट हैड स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो ग्रेजुएशन लेवल का भी दिया है कि मतलब हो सकती है इनसे, बट उन्होंने जो है ग्रेजुएशन लेवल पे बॉटनी और जूलॉजी को जो है पढ़ा हो, ठीक, ये PGT बायोलॉजी के लिए है। ओके, आगे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोट है, कैंडिडेट पोजेसिंग मास्टर डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन डिसिप्लिन या सब्जेक्ट एज मेंशन्ड अबव विल ओनली बी कंसीडर्ड एज एलिजिबल। BA डिग्री हो, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश हो, मतलब BA डिग्री होनी चाहिए, जिस जिस सब्जेक्ट की BA जरूरी है वो होना चाहिए। ओके, देखिए डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई हैं, एक्सपीरियंस एज TGT इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अब इन सब के लिए जो है आपके पास जो है BEd होनी चाहिए, BEd डिग्री जो है वो मान्य होगी। अब जैसे PGT कंप्यूटर साइंस है तो वहाँ पे BEd डिग्री जो है नहीं भी होगी तो भी चल जाएगा, ठीक है। बट जो ये ऊपर हमने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं इसके लिए BEd डिग्री होना ज़रूरी है, चाहे इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, फिजिक्स में हो, ठीक, तो BEd डिग्री ज़रूरी है, तभी जो है वो एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। डिज़ायरेबल में दिया है नहीं है वो चल जाएगा, अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है तो अच्छा है, किसी रेसिडेंशियल स्कूल में अगर आपने एक्सपीरियंस किया है वर्किंग का तो वो भी सही है, नहीं भी किया है तो भी चल जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है PGT कंप्यूटर साइंस की, तो एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है आपके होने चाहिए BE BTech फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में, यानी कि आपने BE किया है या BTech किया है उसमें आपके 50% मार्क्स होने ही होने चाहिए, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से किया है चाहे, ओके, BE और BTech किसी भी स्ट्रीम से है तो 50% मार्क्स चाहिए। इसके अलावा अगर आपने MSc की है कंप्यूटर साइंस से या IT से, या MCA किया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो भी आप एलिजिबल हैं PGT कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके अलावा अगर आपने BSc किया है, BCA किया है, और मतलब आपने BCA करके पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में ली है तो भी आप जो है ये फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स जिसने सिर्फ BCA किया है और PG उसकी पोस्ट ग्रेजुएट की भी डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप कर सकते हैं,
ओके, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, देन आप फिल कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं. ओके, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, डिजायरेबल बीएड डिग्री. बीएड डिग्री अगर है तो भी, और नहीं है तो भी चलेगा. ठीक है, तो बीएड डिग्री कोई मायने नहीं रखती है, तो आप इजीली भर सकते हैं, जिसने बीएड नहीं भी की है तो भी. ठीक, या आगे दिया गया है सब्जेक्ट वाइज पोस्ट कोड जो है इसमें फिल किए गए हैं. तो फिर इसमें वही सारी चीज़ें जो है दी गई हैं. ये अलग अलग लैंग्वेजेस का जो हमने पढ़ा था उसके बारे में है. देखिए, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए किसी भी रीजनल कॉलेज से. ठीक है, बैचलर ऑनर डिग्री हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स. इसमें भी 50% मार्क्स मांगे गए हैं आपसे, मतलब बैचलर डिग्री जो है होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट 50% मार्क्स. ये देखिए, पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आर अंडर. फॉर टीजीटी हिंदी, हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स. टीजीटी इंग्लिश में आप ले रहे हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए ऑल द 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स. ठीक, तो टीजीटी के लिए आप जिस भी उसमें भर रहे हैं, चाहे हिंदी है, हिस्ट्री है, वो तीनों साल जो है आपने उस ग्रेजुएशन में, मतलब तीनों साल जो है उस सब्जेक्ट को पढ़ा हो, ठीक है, तभी आप एलिजिबल जो है माने जाएंगे. फॉर टीजीटी मैथ दिया गया है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथ में अलोंग विद फिजिक्स इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट. चाहे फिजिक्स के साथ मैथ पढ़ा हो या केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी है, मैथ्स के साथ अगर आपने पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं टीजीटी मैथ के लिए. इसी तरीके से टीजीटी साइंस का दिया गया है, अगर आपने बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री है तो आप एलिजिबल हैं. ठीक है, कि कैंडिडेट ने जो है स्टडी किया हो बोटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 ईयर्स, तीनों साल पढ़ा हो. ठीक, सेम सोशल स्टडी का दिया गया है इसमें. हिस्ट्री विद ज्योग्राफी हो, मतलब हिस्ट्री उसने जो है ज्योग्राफी के साथ पढ़ी हो, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, किसी के साथ भी पढ़ी हो, तो वो एलिजिबल होगा यहाँ पे. ठीक, तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें दी गई हैं. तो आप देख सकते हैं, ये थर्ड लैंग्वेज से रिलेटेड आपको दे दिया गया है, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, मतलब हर एक में आपको 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए. ठीक, जो इन्होंने मांगा है इसमें. बी एड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज मैंशन. ओके, अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है तो फिर बी एड ज़रूरी नहीं है वहाँ पे. ठीक, चलिए, मिसलेनियस की भी दी गई है इसमें, म्यूज़िक वगैरह की. तो इसमें आपने दिया, इसमें देखिए म्यूज़िक के लिए क्वालिफिकेशन ये दी गई है कि 5 ईयर स्टडी की हो म्यूज़िक किसी भी इंस्टीट्यूशन जो कि रिकॉग्नाइज हो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से, बैचलर डिग्री हो विद म्यूज़िक. ठीक है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, तो ये तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. या फिर इसमें आप देख सकते हैं हायर सेकेंडरी विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, संगीत, विशारद एग्जामिनेशन ऑफ हारवा महाविद्यालय मंडल बॉम्बे, ये कुछ इस तरीके का जो है इसमें दिया गया है. ठीक है, कि यहाँ से जो है उन्होंने, उनके पास डिग्री हो. ठीक है, आर्ट की दी गई है इसमें, तो ये जिन्होंने फिल करना है वो आप अपना देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है इसमें मांगी गई है और कौन कौन जो है इसको फिल कर सकता है. ठीक, इसी तरीके से पीटी मेल, फीमेल और लाइब्रेरियन के बारे में भी दिया गया है कि यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में. ठीक है, चलिए आगे देखिए, एज रिलैक्सेशन दी गई है, एससी और एसटी के लिए 5 साल की है, ओबीसी के लिए 3 साल की है, वुमेन ओनली इफ़ अप्लाइंग, जो सिर्फ अप्लाई करेंगे पीजीटी टीजीटी के लिए और मिसलेनियस कैटेगरी टीचर पोस्ट के लिए, उन्हें 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है. ये ओल्ड कैटेगरीज के लिए है. रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉय हैं तो नो एज बार. कैंडिडेट विद 3 ईयर्स कॉन्टिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड द पोस्ट आर सेम और अलाइड कैडर्स, तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है इन्हें. पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये 15, 13 और 10 साल का दिया गया है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे. ओके, देन उसके बाद देखिए, बस यही है इसमें. आगे आप देखेंगे तो मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें बताया गया है. ओके, कैंडिडेट जो होंगे शॉर्ट लिस्ट वो होंगे कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरेक्शन पुट टुगेदर है. ठीक है, चेंज कर सकती है एनवीएस अपना मोड ऑफ सिलेक्शन जो है उसको किसी भी उसमें. ठीक, यहाँ पे फिर सेंटर दिया गया है, अलग अलग स्टेट्स में हैं, जैसे द सेंटर फॉर द सीबीटी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल विल बी एट दिल्ली एनसीआर ओनली. ओके, जो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए रहेगा वो सिर्फ दिल्ली और एनसीआर में रहेगा, बाकी सब के लिए हैं. पोर्ट ब्लेयर में है, सॉरी पोर्ट ब्लेयर, अनंतपुरा, अंडमान निकोबार में है ये पोर्ट ब्लेयर,
आंध्र प्रदेश में अनंतपुरा में रहेगा सेंटर, ठीक है, और भीमावरम चिराला इल्लरू, तो वो आप देख सकते हैं, जिसको जहाँ पे भरना है वो फिल आप कर सकते हैं। सिटी इसमें अलग दी गई है स्टेट वाइज, ठीक है, जो जिस सिटी से बिलोंग करता है, महाराष्ट्र से करते हैं, आंध्र प्रदेश से करते हैं, तो वो आपको, आप इसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया ही जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, ठीक। चलिए हरियाणा में आप देख सकते हैं, हरियाणा में देखिए, हरियाणा में सेंटर है इसका, अंबाला है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, हिसार है, करनाल है और कुरुक्षेत्रा है, ठीक है। तो हरियाणा वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर ऑब्वियस फिल कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब बात आती है एग्ज़ाम की, कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहने वाला है वो किस तरीके का रहने वाला है वो और देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल दिया है, तो यहाँ पे देखिए पार्ट वन, देखिए टोटल जो पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स ही होगा। 3 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें अपनी करंट अफेयर, हिस्ट्री, ये सब जो है इसमें आ जाएगा। ओके, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें जनरल इंग्लिश आएगी, जनरल हिंदी होगी, ये 10-10 मार्क्स की होगी, ठीक है, तो ये भी हो जाएंगे 20 क्वेश्चन इस तरीके से, मतलब जनरल हिंदी 10 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स। उसके बाद आप देखिए अकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स, ओके, इसमें जो है इसका डिटेल सिलेबस जो है वो उसकी साइट पर दिया गया, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इसमें इसके 50 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से रिलेटेड भी जो है 50 क्वेश्चन आएंगे, तो वो सिलेबस आप देख सकते हैं जो भी प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए फिल करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पीजीटी की, तो पीजीटी में देखिए सबका सेम ही रहेगा, सिर्फ जो सब्जेक्ट्स होंगे वो चेंज होंगे। तो जनरल अवेयरनेस तो आएगी ही 10 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी ये 20 नंबर की आने वाली है, नॉलेज ऑफ आईसीटी की नॉलेज भी जो है आपसे पूछी जाएगी। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी होती है, मीन्स कंप्यूटर के भी जो है आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा 10 नंबर का। तो ये हमारा जनरल पेपर है, जिसमें आपको 10 की जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर मिलेगा 10 नंबर का, और 10 नंबर की टीचिंग एप्टीट्यूड जो है मिलने वाली है। 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है। फिर पार्ट 4 में देखिए आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस एज ऑन NVS वेबसाइट एंड अंडर रिक्रूटमेंट हेडिंग। ओके, जो भी सब्जेक्ट है ये पीजीटी के लिए है, तो अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं, हिंदी से, इंग्लिश से, मतलब जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हैं उसका पूरा सिलेबस आप NVS की वेबसाइट पे देख सकते हैं, वो तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है आएगा। ओके, इसमें देखिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन, मींस आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप टीचिंग एप्टीट्यूड बोल सकते हैं, उसी मतलब उसी से रिलेटेड आपके टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है इसमें देखने को मिलेगी। फिर एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड, पैडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे NEP 2020। ओके, तो ये पूरा जो है इसका सिलेबस आपको कहाँ पे मिलेगा, उसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा NVS की। ये 80 क्वेश्चंस जो है इसके पूछे जाते हैं, तो 80 मार्क्स का जो है ये रहेगा, तो टोटल 130 का जो है ये आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, ये 2020 का होगा, लेकिन देखिए इसमें जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। पार्ट 1/5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवैल्यूएटेड इफ शी फेल्स टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6। ओके, इसमें क्या है कि जो NVS में जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आएगी उसमें पास होना आपको ज़रूरी है। ओके, 20 जो है क्वेश्चन आएंगे, तो हरे मतलब सॉरी 20 नंबर का नहीं, 10 और 10 का, ठीक, 10-10 यानी कि 20 मार्क्स का हो जाएगा। तो 20 का 40% कितना हो जाएगा, 8, मीन्स 20 में से आपके 8 मार्क्स जो है आने ही आने चाहिए। अगर आपके 7 मार्क्स आ जाते हैं इस जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में, तो आपके ये वाले जो मार्क्स होंगे वो मतलब काउंट ही नहीं होंगे फिर, ठीक है, फिर आप ऑब्वियसली क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर पास होना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सेम, ये बिल्कुल सेम पैटर्न आप देखेंगे तो KVS में भी बिल्कुल सेम होता है, हिंदी और इंग्लिश को क्वालिफाई करना वहाँ पे ज़रूरी होता है, तो सेम है इसमें भी। तो हिंदी इंग्लिश आपको क्वालिफाई करनी है, 20 में से आपके 8 मार्क्स जो है ज़रूर आने चाहिए, बाकी 8 से ज़्यादा ही जो है आप अपना रखिए कि 8 से ज़्यादा ही रखने हैं। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, बाकी जो मार्क्स हैं क्वालिफाई करने के बाद वो इनमें से बनेंगे मेरिट, ठीक है।
इसी तरीके से आप TGT का देख सकते हैं और मिसलेनियस टीचर का भी सेम रहने वाला है। जनरल अवेयर 10 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की, यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी PGT में 20 मार्क्स की आती है लेकिन यहाँ पे 10 नंबर की मिलेगी आपको। कंप्यूटर का 10 नंबर का आएगा, कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक आएगा। यहाँ पे जो 10 नंबर का कंप्यूटर आता है वो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हो गई, इन सब से रिलेटेड जो है आपसे पूछा जाएगा। तो ये हमने पहले किया भी है, पेपर जो KVS का पहले हुआ है वो मिल भी जाएगा आपको, मैंने सॉल्यूशन जो था उसका करवाया भी है तो आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ये 10 नंबर का मिलेगा आपको, तो 40 नंबर ये हो जाते हैं। फिर 80 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होगा। ओके, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें आएंगी। खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम जो भी है ये सिर्फ PET के लिए है। ठीक, NEP 2022 एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी पेडागोजी पे बेस्ड, तो सारी चीज़ें जो है आपको पढ़नी है, ये पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो 120 मार्क्स का जो है एग्जाम होने वाला है। देखिए इनका 130 का था PGT का, TGT और मिसलेनियस का 120 का है। इसमें भी आप अगर आप देखेंगे तो इसमें भी जो है इसमें लैंग्वेज में 30 क्वेश्चंस जो है लैंग्वेज के आएंगे, हिंदी और इंग्लिश के। ओके, इसमें बट जन ओके रीजनिंग सॉरी रीजनल लैंग्वेज भी जो है इसमें ऐड कर दी गई है। ओके, देखिए हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज भी जो है आ गई है। ईच सब्जेक्ट 10 मार्क्स, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। तो 30 का 40% 12, यानी कि 30 में से आपको 12 नंबर जो है ज़रूर ले रहे हैं तभी आप जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें याद रखिएगा। ठीक, देखिए फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ TGT एंड मिसलेनियस टीचर पार्ट 1-4 विल बी कॉमन। मिसलेनियस टीचर है, TGT है, 1-4 तक जो है सारे पार्ट इसमें कॉमन रहेंगे, लेकिन पार्ट विल बी 5 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो वो हमने देखा था। 6 में हमने देखा है क्वालिफाइंग के लिए है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बस याद रखिएगा आप। ओके, एप्लीकेशन फीस फिर जो है इसमें दी गई है। ओके, डिटेल्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल विल बी नोटिफाइड ऑन NVS की वेबसाइट है www.navodaya.government.in, तो इसी पर जो आपको मिलेगी सारी। हाउ टू अप्लाई, देखिए कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NVS वेबसाइट। NVS की वेबसाइट पे जाना है एंड देन वहाँ पे आपको जो है अप्लाई करना है। ठीक, तो इसमें देखिए इसमें फीस देखिए आप, प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपये है, PGT के लिए 1800 है और TGT और मिसलेनियस कैटेगरीज के लिए 1500 रुपये फीस जो है लगेगी, तो वो आप देख सकते हैं इसमें। देखिए एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट होगा वो भी जो है सबमिट करना होगा ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो एप्लीकेशन जो प्रिंट आउट मिलेगा आपको उसको आपको सेव रखना है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो भी हम फिल करते हैं ना वो आपको सेव करके रखना है। ये जब आप सबमिट कराना होगा, जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाएंगे मतलब सिलेक्शन होने के बाद। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, सारी चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए, गलत जो है नहीं भरना है कुछ भी। रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे यानी कि 2 जुलाई से जो है फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। आखिरी जो डेट है वो 22 जुलाई है। फीस डिपॉजिट कर सकते हैं 22 जुलाई को ही और ये क्लोज भी हो जाएगा 22 जुलाई को ही। ठीक है, ओके, तो ये था। अब जो फिल कर सकते हैं वो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, प्रीवियस पेपर अगर मिल जाए तो कोशिश कीजिए उन्हें ढूंढिए और देखिए कि किस तरीके का जो है पूछा गया है पहले, ताकि एक आइडिया आपको मिल सके कि आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है। ठीक है, बट ज़्यादा मुश्किल जो है पेपर नहीं मिलेगा आपको। एक बार आप चेक करेंगे तो जनरल पेपर बहुत ईजी आता है इसका, सब्जेक्ट स्पेसिफिक फिर आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, वो भी इतना मुश्किल नहीं होता है। बेसिक चीज़ें ही जो है देखने को मिलती है, जैसे कंप्यूटर का जो है हमने देखा है तो कंप्यूटर का बिल्कुल NCERT बेस्ड ही पूछा गया था, उसमें MS ऑफिस जो है वो ज़्यादा पूछा गया था। ओके, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं था कि हाई लेवल जाके आपको पढ़ना पड़े, बट फिर भी अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग कीजिए। मे बी इस बार जो है थोड़ा सा पेपर डिफ़िकल्ट आ जाए क्योंकि PGT लेवल का है, तो एक बार सिलेबस चेक कीजिए एंड देन आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।